तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो इंदौर से एक नई रेलवे लाइन पर बात करेंगे। तो इंदौर से जो रेलवे लाइन निकाली जानी है, इंदौर से नरदाना होते हुए धुले को कनेक्ट करेगी। धुले होते मनमाड़ के साइड जानी चाहिए थी। तो पूरे रेल लाइन का नाम है इंदौर धुले मनमाड़ रेल लाइन। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लंबे समय से हमने इस रूट पर दोस्तों वीडियो बनाई हुई थी और आपने काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स दिया। तो इस रेलवे लाइन के बारे में आज कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर क्लियर करेंगे, क्या चल रहा है मौजूदा समय में। और सबसे पहले मैप के माध्यम से समझा देते हैं, क्योंकि मैप के माध्यम से आपको रेलवे लाइन कहाँ से रेडी हो रही है वो चीज़ें क्लियर कर ली जाएगी। तो अगर आपको बताते चलो तो यहाँ पर इंदौर जंक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इंदौर जंक्शन के पास में अगर आप ध्यान पर देखेंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर नगर आपको दिखाई देगा। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर नगर से भी एक रेलवे लाइन को बनाया जा रहा है, जो कि अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर नगर के पास से इस रेलवे लाइन को निकाली जानी है। हालांकि पाताल पानी से लेकर और जो मुख्तियर बलवाड़ा वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर भी कुछ रोड्स को बदलाव जो है किया गया है। तो पाताल पानी के पास से और डॉक्टर अम्बेडकर नगर से होते हुए इस रूट को निकाला जाना है। फिर डॉक्टर अम्बेडकर नगर से ना फ्रेंड्स, ये जो रेल लाइन है सीधा नीचे आते हुए नेशनल हाईवे नंबर 52 को टच करते हुए, नेशनल हाईवे नंबर 32 को टच करते हुए नरदाना आती है। अब नरदाना कहाँ स्थित है? नरदाना भाई एक तरफ से भुसावल जंक्शन की तरफ जो है स्थित है, और दूसरे तरफ अगर बड़ा स्टेशन सूरत की तरफ स्थित है, क्योंकि सूरत से जंक्शन है और सूरत से गाड़ी आती है सीधा नरदाना होकर भुसावल की तरफ निकल जाती है। यहाँ भुसावल से बाईपास होकर और भी आगे के लिए रूट जो है ओपन, जिसमें से अकोला हो गया और खंडवा वाला सेक्शन हो गया। तो नरदाना तक आती है और नरदाना से जो रूट है धोले के पास जो है स्टेशन पर बोल विहार को टच करता है। बोल विहार से होते हुए इसको जो है मनमाड़ जंक्शन में जाकर मिलाना था। तो यह पूरा रूट कुछ इस प्रकार था। इसके फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा थे फ्रेंड, अगर फ़ायदे आपको गिनाऊंगा मैं। और इंदौर से निकलने वाली सबसे लंबा जो इंदौर से अभी जो रेलवे लाइन बनाई जा रही है इस समय, इंदौर से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी रेलवे लाइन में इसी का नाम था। तो इस रेलवे लाइन को कुछ और चीज़ें भी जान दे। तो देखिए मैप के माध्यम से समझ रहे तो आज हम हर चीज़ हर डाउट अपना क्लियर करेंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपको बता दूँ कि इंदौर से डॉक्टर अम्बेडकर नगर से लेकर नरदाना की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर मैं मैप के माध्यम से देखिए, तो नरदाना से लेकर डॉक्टर अम्बेडकर नगर जो कि महू कहा जाता है, का कंस्ट्रक्शन जो है नई लाइने का है। दो स्टेशन बताया जा रहा है फिलहाल, स्टेशन की संख्या कुछ ज़्यादा ही है। और 194 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, बहुत लंबी रेलवे लाइन भाई डॉक्टर अम्बेडकर नगर से नरदाना के लिए। अब नरदाना से सेक्शन की बात करें तो देखिए, नरदाना से यहाँ पर रेलवे लाइन दुफरी हो जाती है। नरदाना की बात करा जाए तो नरदाना से अगर आपको बताऊँ तो नरदाना से लेकर जो कि बोर विहार जो कि धुले के आसपास में है, यहाँ से भाई ना यह जो रेलवे लाइन है सीधा 46 किलोमीटर की है, जो कि तीन स्टेशन आते हैं। तो नरदाना से बोल विहार 46 किलोमीटर, फिर बोल विहार से जो सीधा दोस्तों मनमाड़ हमारे स्टेशन आकर जो जहाँ तक इस रेलवे लाइन को निकाला जाना है, तो बोर विहार से मनमाड़ का जो सेक्शन है वो 79 किलोमीटर का है। तो कुछ इस प्रकार की रेलवे लाइन रही है, लंबे समय से इस पर कार्य किया जा रहा है। तो अगर इस रूट की बात करूँ तो मैं दोस्तों, इंदौर मनमाड़ रेल लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस पर इतना कुछ खासा जो है ध्यान दिया नहीं गया है। तो मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन जो है दोस्तों, काफ़ी पहले इसको जो है यहाँ पर रूट को भूमि हस्ताक्षर जो है किया जा चुका है। और 2019 की बात है, जब फरवरी 2019 में इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन का शिलान्यास किया गया था, तो पूरी उम्मीद भी थी कि काम जो है यहाँ पर इसको जो है करवाया जाएगा। 4 साल के आंकड़े बीत गए लेकिन ऐसा कुछ फिलहाल हुआ नहीं। 2024 में फिर से एक बार चुनावी वर्ष, इस वर्ष से लोगों को जो है यहाँ पर उम्मीद है कि इस परियोजना पर उचित ध्यान देना चाहिए। यह पिछले 100 से अधिक वर्षों से हासिल जो है किया जाएगा। और आपको बता दूँ कि इस रूट, यह जो रूट है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लंबे समय से यहाँ पर इस रेलवे लाइन को तैयार करने को लेकर यहाँ पर गवर्नमेंट ने ध्यान दिया नहीं है। और क्योंकि 362 किलोमीटर लंबी इंदौर मनमाड़ रेल लाइन है, 9000 करोड़ रुपए दोस्तों इसका टोटल फंड है। इसके बन जाने से काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि इंदौर और बम्बई का सफ़र 170 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। लेकिन रेलवे गंभीर नहीं है इस मुद्दे को लेकर। इस रूट पर बस का किराया लगभग 450 रुपये के करीब है, से लेकर 1200 रुपये तक हो जाता है। लगभग दोस्तों 24 साल के संघर्ष के बाद भी इंदौर मनमाड़ रेल लाइन की मंजूरी जो है नहीं दी गई। 2018 में OMU तय किया गया। अभी अलाइनमेंट का काम जो है
मौजूदा समय में काम चल रहा है। और बता दूं कि इस पूरे रूट में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का 55% मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का 15% हिस्सेदारी समुद्र डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की थी। और ये जो रेल लाइन है इसके बनने से बम्बई की दूरी दोस्तों 170 किलोमीटर तक जो है कम की जा सकती है, क्योंकि सीधा मनमाड़ के रूट से मिलकर दो है रूट दोस्तों निकल जाता है बम्बई के लिए। और इसकी वजह से ही रूट है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। इंदौर से बम्बई की दूरी अभी रतलाम होते हुए 829 किलोमीटर है, और यही एक वजह भी है इंदौर से रतलाम अगर आप होते हुए जाएंगे इंदौर से रतलाम होते हुए तो ये तकरीबन जो दूरी है दोस्तों 829 किलोमीटर की है। ट्रेन करीब 13 घंटे में इंदौर से बम्बई जो है पहुँचा देती है। मगर नई रेलवे लाइन के बनने के बाद में यह जो सफ़र रहेगा काफ़ी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि 659 किलोमीटर ही जो रूट जो रहेगा हो जाएगा और मनमाड़ से नासिक होते हुए आप मुंबई जो है पहुंच जाएंगे। इसके बहने फिर दिल्ली और से चेन्नई बेंगलोर की दूरी भी जो है कम जो है करवा दी जाएगी। तो तमाम फ़ायदे तो काफ़ी सारी है, ऐसा बात है नहीं। इसको लेकर मैं उम्मीद करूँगा कि सरकार भी थोड़ा सा दोस्तों इस रूट को ध्यान दे, और मैं ये भी चाहूँगा कि इस रूट को अच्छा खासा बजट भी जो कि देना चाहिए, और ताकि भविष्य में इस रेल लाइन को जल्द से जल्द गवर्नमेंट के द्वारा कंप्लीट करवाया जा सके। फिलहाल मैं इस मुद्दे पर और भी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। फिलहाल इंदौर और मनमाड़ इस दोनों रेल लाइन पर हमारी चर्चाएँ टिकी हुई है कि ताकि कुछ भी ऐसा कुछ अपडेट आए और आपको हम वीडियो के माध्यम से ज़रूर से दें। तो परियोजना का शिलान्यास वगैरह तो किया जा चुका है, लेकिन वो उम्मीद भी की जा रही है कि यह जो परियोजना है इस पर कुछ हरी झंडी वगैरह भी गवर्नमेंट के द्वारा दिखाया जाए लंबे समय से, क्योंकि दोस्तों यह मार्ग पेंडिंग पे चल रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। तो यह जो रूट से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बन जाने से काफ़ी कुछ आसान हो जाएगा। मुंबई की दूरी 170 किलोमीटर तक कम हो रही है, तो मतलब भाई ज़रूर कुछ खास बात है इस रूट में, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा दूरी जो है यह रूट दे सकता है। तो आप लोग लंबे समय पर दोस्तों यहाँ पर मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट के थ्रू अलग अलग एजेंसी भी यहाँ पर काम कर ही रही है, और मनमाड़ से सूरत का नया रेल मार्ग भी रहेगा, और साथ ही साथ में बम्बई की दूरी भी कम हो जाएगी। तो इसके बनने से फ़ायदे तो काफ़ी सारे हैं। और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया वापस से दोस्तों शुरू करवा दी गई है। आपको बता दूं मैं भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। इस बार जो है बजट भी दिया गया है इस रूट को, ऐसा है नहीं कि जो है इस रूट को बजट नहीं मिला है, बजट भी अच्छा खासा गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दिया गया, बजट की कोई कमी है नहीं। अगर इसके पहले भी दोस्तों इस रूट को अगर बजट वगैरह अच्छा दिया गया होता तो उम्मीदों के पंख जो है इस रूट को जरूर से लग जाते थे। फिलहाल मैंने मैप के माध्यम से तो आपको पूरा रूट को समझा दिया हो कि मैप वगैरह कुछ किस तरह से दिखने वाला है, और मैप के बाद यह जो रेलवे लाइन रहेगी फिलहाल इस पर गवर्नमेंट अगर ध्यान दे तो बनकर बहुत जल्द रेडी करवाई जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो के लिए धन्यवाद, और मैप के माध्यम से और मैं 2-3 चीज़ें जो आपको क्लियर करते रहूँगा टाइम टू टाइम पे। तो MP और मध्य प्रदेश से 3-4 लाख हेक्टर की जो ज़मीन रहेगी दोस्तों उसको भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं लगातार नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, बाय बाय एवरीबॉडी।